क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगने से इसमें निवेश करने वाले परेशान हैं। लोग इस पर जमकर मीम शेयर करने लगे। ट्विटर पर 30% टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आ गया है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं घर बसने से पहले ही वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्रिप्टो में निवेश से जुड़े हर अहम सवाल पर एक्सपर्ट की राय आपको सुनाते हैं। Mostly all of us refer it to the cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued. And that provision is now made and the currency in the name of digital rupee will be issued. तो क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो में निवेश को अपनी हरी झंडी दे दी है? सरकार के इस कदम के बाद भारत में क्रिप्टो का निवेश पहले से कहीं ज्यादा क्या सुरक्षित हो गया है? इस सवाल के साथ हम क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के सीओओ सिद्धांत मेनन के पास गए, जिन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, whether crypto is legal or illegal, right? So it just the taxing crypto just makes it legal, right? That's very important because of the job market. A lot of people are just waiting to, you know, come onto the Web3 industry, but not sure whether it's legal or illegal, right? And we have done a lot of interviews where people were not very sure whether they want to be part of this or not, thinking, you know, what the government stands are. India being the talent hub for tech, that means a lot more job opportunity for India. I'm really looking forward for this. Cryptocurrency mein nivesh ko bahut jokhim bhara mana jata hai. जहां पर कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए सरकार की कोशिश छोटे निवेशकों को इससे दूर रखने की हो, जो सही भी है। लेकिन यहां दूसरा सवाल ये उठता है कि जब क्रिप्टो को लेकर नियम अब तक साफ नहीं है, तब पहले से टैक्स लगाने से सरकार आखिर क्या हासिल करना चाहती है? 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी आज की वैल्यू 60 लाख रुपए हो गई है मार्केट वैल्यू। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे आ रहे हैं, तो नॉर्मल जो इनकम आ रही है, नॉर्मल जो स्लैब है उसमें टैक्स भर रहे थे। कई लोग उसको नहीं भी दिखा रहे थे क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई टैक्स रेट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस बार पहली बार सरकार ने उसको टैक्सेशन रेट उस पर फिक्स किया है, जो कि बजट के पहले उन्होंने बोला था कि टैक्स स्लैब के हिसाब से चलेगा। वो भी लास्ट ईयर इस बात की चर्चा हो रही थी, उसके पहले तक तो कोई चर्चा भी नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी है भी क्या, ये सरकार के ऑफिशियल नॉलेज में कहीं पे भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि ये टैक्स वसूला कैसे जाएगा? ये आदेश कब से लागू होगा? क्या जिसने 2017 में क्रिप्टो में निवेश किया है, क्या उस पर भी ये लागू होगा? अभी तक उस पे खुलासा जो होना है सरकार की तरफ, क्योंकि ये जब प्रावधान लाया है तो वो भी स्टडी करेंगे कि जो आज से इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए लागू होगा, क्योंकि ये तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए है ना, जिसका कि लागू होना 1 अप्रैल से है। तो आज से 31 मार्च के लिए क्या होगा? पहली बात, अभी तक जिसके ओपनिंग थे 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को जिसके पास होल्डिंग थी, उसका क्या होगा, कैसे वैल्यूएशन करेंगे उसका? उसका मार्केट वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह 30,000 था डॉलर, शाम को 40,000 हो गया, सुबह में नेक्स्ट डे वापस 28,000 पे आ गया। हाउ विल यू वैल्यू इट? तो एक मैकेनिज्म, और उसने इन्वेस्टमेंट 2017 में जब किया था उस समय में उसकी वैल्यू 8,000 थी, तो आपकी वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या होगी? और उतना जो गेन हुआ जिस दिन से उन्होंने फर्स्ट एंट्री किया और आज के तारीख में जिसके पास स्टॉक है या जो अब तक कमा के निकल चुके हैं, उसका क्या होगा? तो बहुत से सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या इसे शेयर बाजार में निगरानी रखने वाली सेबी रेगुलेट करेगी या फिर इसके लिए किसी नई संस्था का निर्माण किया जाएगा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में निवेश करने वालों की एक बड़ी संख्या है जिनको क्रिप्टो में भविष्य दिख रहा है। जो जिस तरह से भी एक तो कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी के हमेशा दो तरह के फायदे होते हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जाके मेन स्ट्रीम बन जाती है और एक जरूरत बन जाती है लोगों की। जब कोई चीज किसी लोगों की जरूरत बन जाती है तो उसके भाव अपने आप ऊपर उठते हैं,
ये बहुत सा कॉमन से, फॉर एग्जाम्पल आज इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी जो तमाम कंपनियां थी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नो फेसबुक, जो बहुत अर्ली डेज में इंटरनेट के ऊपर बनी, जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ और ये कंपनियां सोशल मीडिया कंपनियां या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया का टेक ऑफ चालू हो गया धीरे धीरे, जो प्रिंट मीडिया था जो बहुत एक वक्त पे पावर हाउस था, राइट, अगर अगर कोई लेख छप जाता था अखबारों में तो वो बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि हो जाती थी, और बहुत आज आज अगर एक लेख छपता है अगर किसी प्रिंट मीडिया में तो उसका फर्क शायद भी ना हो, लेकिन अगर आपने किसी डिजिटल माध्यम से कुछ किया है तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट थी, अर्ली डेज में हमने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली और दुनिया के अंदर दुनिया के हालात बदले, नो तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं, उससे डिजिटल अपने आप में प्रोग्रेस हो रहा है। अब एक नई तरह की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, ब्लॉकचेन आ रही है, जो कि बहुत हद तक इंटरनेट है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। भारत में नोटबंदी के बाद डिजिटल करेंसी का चलन तेजी से बढ़ा और अब महामारी ने इसे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। ऐसे में सरकार द्वारा जारी डिजिटल करेंसी ही भविष्य है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा क्रिप्टो के लिए भी कहा जा सकता है? ये भविष्य है, क्रिप्टो भविष्य का एसेट है, तो क्या ये गोल्ड की जगह ले सकता है हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज में? भविष्य ले सकता है ये नहीं, ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन अगर हम ट्रेंड्स को अगर देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है, स्पेशली पिछले 2 सालों में दुनिया जिस तरह के नो स्वास्थ्य या महामारी से गुजरी है, एक चीज बहुत क्लियर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन अब और ज्यादा तेज हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि पहले ये एक जरूरत थी, बट क्योंकि अब जान बचाने का तरीका भी है। आज आप और हम मिलने से कतराएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कौन सी बीमारी हो रही है, राइट? तो इसका ये एक मतलब है कि डिजिटल चीजें तो बनेंगी, और इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल भी है, इसका मतलब हम इंटरेक्शन भी करेंगे, तो अगर हम इंटरेक्शन करेंगे और सारी चीजें दुनिया अगर डिजिटल हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब इस डिजिटल दुनिया को एक ऐसे मनी सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी जो कि कॉपी ना हो सके, कोई कंट्रोल ना कर सके और हम फ्री होके आपस में लेन देन कर सके। तो जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है ये तो बहुत क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी या NFTs या मेटावर्स, जो अब NFT का भी एक वर्जन आगे आ गया जिसमें हम अपने आप को फिजिकल अवतार बना रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका एक्सेलेरेशन और ग्रोथ जो है वो बहुत पहले से बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये बट ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनेगी या कोई और डिजिटल करेंसी आएगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट क्रिप्टो इन जनरल फ्यूचर है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसके समर्थक चाहे जो कहें, लेकिन इसमें समझे बगैर निवेश करना अपनी बर्बादी को बुलावा देने के बराबर है, इसीलिए जानकारों का कहना है कि छोटे निवेशकों की इससे दूरी में ही भलाई है। आज तक ब्यूरो।